Assalamu alaikum students, welcome to the first lesson of chapter 4 magnets and electromagnets. Learning objectives is class ke liye hain ki what is magnetism, what is magnetic field or what are domains. What is magnetism? Magnetism is a mysterious force of attraction or repulsion. You all are aware of magnets. They are of different shapes, but they work in a similar manner. They either attract metallic objects or repel metallic objects. This attraction or repulsion is called magnetism. Permanent magnets. आयरन का पीस या स्टील का पीस जिसको परमानेंटली मैग्नेटाइज किया गया हो ताकि वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बरकरार रख सके, उनको कहते हैं परमानेंट मैग्नेट्स. इसकी डेफिनेशन होगी अ पीस ऑफ आयरन और स्टील व्हिच हैज बीन मैग्नेटाइज्ड सो दैट इट कीप्स इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड अ परमानेंट मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट के यूजेस बता दें तो यहाँ पे आपके पास दो यूजेस हैं. एक हेडफोन्स में यूज होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, और दूसरा फ्रिज के डोर्स में यूज होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स. इनकी टेंडेंसी थ्रू आउट रहती है. इसी तरह एक और टाइप ऑफ मैग्नेट है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हम टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं. ये वो मटेरियल है that loses its magnetism when a magnet is taken away is called a temporary magnet or electromagnet. इस पिक्चर में आप देखें मैग्नेट है, तो मैग्नेट के साथ उसकी टेंडेंसी इस स्क्रू ड्राइवर में भी आई हुई है, और फिर स्क्रू ड्राइवर के साथ इस पिन में भी मैग्नेटिक टेंडेंसी आ गई है. इस पिन के साथ एक और पिन लगाएंगे तो वो भी इसके साथ अटैच हो जाएगी. ये टेम्पररी मैग्नेट्स बन गए हैं, ये पिन, ये स्क्रू ड्राइवर. लेकिन जैसे ही मैग्नेट को आप दूर लेके जाएंगे, इनकी ये टेंडेंसी खत्म हो जाएगी और ये फिर लूज कर देंगे अपनी टेंडेंसी को. तो ऐसा मटेरियल जो कि खुद मैग्नेट नहीं हो बल्कि उसके अंदर मैग्नेटिज्म यानी कि एक टेंडेंसी आ गई हो मैग्नेट की टू अट्रैक्ट और रिपेल, उसको कहते हैं टेम्पररी मैग्नेट. इसकी एक टाइप में आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो मैग्नेट्स जो कि करंट पास करने से उनके अंदर टेंडेंसी आ जाती है तो उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. जैसे ही करंट की सप्लाई खत्म हो जाती है तो उनकी वो टेंडेंसी खत्म हो जाती है. द मटेरियल दैट आर यूज्ड टू मेक टेंपरेरी मैग्नेट्स आर यूजुअली सॉफ्ट मटेरियल्स दैट हैव लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सच एज आयरन. आयरन और स्टील में आयरन जिस चीज से बना हुआ है उसको हम सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं, और ये सॉफ्ट मटेरियल होने की वजह से टेम्पररी मैग्नेट्स बन सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड, हर एक मैग्नेट के इर्द गिर्द देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड. ये वो जगह है जहां पे एक मैग्नेट की फोर्स महसूस हो सकती है. किसी भी मैग्नेट के करीब अगर हम सेफ्टी पिन रखें तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा. आहिस्ता आहिस्ता आप वो सेफ्टी पिन दूर लेते जाएं तो एक पॉइंट आएगा जिसमें मैग्नेट की टेंडेंसी फील नहीं होगी, अट्रैक्शन या रिपल्शन फील नहीं होगी. वो जो पॉइंट है वहां तक हमारी इस मैग्नेट की टेंडेंसी है यानी मैग्नेटिक फील्ड है कि वहां तक चीजों को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक मैग्नेट के इर्द गिर्द वो एरिया जहां वो मैग्नेटिज्म यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्शन महसूस कर सकते हैं. फोर्स ऑफ फील्ड, अ फोर्स फील्ड अराउंड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. इस डायग्राम में आपको एक बार मैग्नेट नजर आ रहा है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल है. मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द पेंसिल से या पेन से ड्रॉन आपको नजर आ रही है. ये मैग्नेटिक फील्ड कंपस की हेल्प से भी बनाया जा सकता है. इस मैग्नेटिक फील्ड्स में ये जो लाइंस हैं ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं, इसीलिए आपको ये एरो इस तरफ नजर आ रहा है, नॉर्थ से साउथ. और इस लाइन से ये भी हम डिपिक्ट कर सकते हैं कि जितना ये लाइन एक दूसरे के करीब रहेगी, जैसे कि ये एरिया है इसमें लाइंस करीब करीब हैं,
तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी स्ट्रांग रहेगा, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग रहेगी। अब इस डायग्राम में आपको दो लाइक पोल्स नजर आ रहे हैं, लाइक पोल्स यानी एक जैसे पोल्स, नॉर्थ और नॉर्थ, यहाँ पे भी नॉर्थ और नॉर्थ। अगेन हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ तक जाती हैं, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ है, नॉर्थ से नॉर्थ तक नहीं जाएंगी, नॉर्थ से साउथ तक जाएंगी, यूं करके मुड़ जाएंगी पीछे, जो साउथ है वहां तक चली जाएंगी दोनों की लाइंस। इसीलिए बीच में हमारे पास एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगा, और यहाँ अगर आप कोई भी चीज रखें तो वो उसको ना अट्रैक्शन फील होगी ना रिपल्शन फील होगी मैग्नेट की। इसी तरह इस साइड पे भी नॉर्थ और नॉर्थ है, तो स्ट्रेट लाइंस क्यों नहीं गई, क्योंकि लाइक पोल्स हैं, सेम पोल्स हैं, सेम पोल्स में अट्रैक्शन कुछ इस तरह होगी कि आपस में नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड की अट्रैक्शन साउथ तक लेके जाएगा, बीच में एक एम्प्टी एरिया होगा जहां पे कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन फील नहीं होगी। इसको हम कहते हैं अनलाइक पोल्स। जब दो अनलाइक डिफरेंट फोर्स एक दूसरे को फेस कर रहे हो तो हम कहते हैं अनलाइक फोर्स, अनलाइक पोल्स। नाउ दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, दे आर फेसिंग ईच अदर, सो दिस इज, इसका क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी। मैंने आपको बोला था मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ तक होती हैं, तो यहाँ नॉर्थ से अपने साउथ तक भी जाएंगी लाइंस, और इस नॉर्थ से इस साउथ तक भी लाइंस जाएंगी, ठीक है। इसी तरह इस पिक्चर में भी नॉर्थ और साउथ है, दो ऑपोजिट या अनलाइक पोल्स हैं, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह जाएगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। अच्छा, इसके बाद आपके पास थ्योरी है मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म की थ्योरी में आपके पास जो दो थ्योरीज हैं, मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। सबसे पहले तो आपको ये बताया गया है कि अगर आप एक मैग्नेट लें और उसको तोड़ दें तो क्या होगा। तो ये होगा कि अगर एक मैग्नेट टू पीसेस में टूट जाए तो फिर उसका नॉर्थ नॉर्थ ही रहेगा, और वो अपना अगला टुकड़ा जो है वो अपने अगले पोल को दे देगा। जैसे नॉर्थ और साउथ है, तो अगर ये वाला पोल नॉर्थ है तो दूसरा वो पोल खुद बखुद साउथ बन जाएगा, और अब ये एक कंप्लीट न्यू मैग्नेट बन गया है। इसी तरह ये वाला पीस जिसका साउथ था पहले से, वो अपना दूसरा नॉर्थ पोल बना लेगा। इसी तरह हमारे पास एक बार ऑफ मैग्नेट से टू बार्स ऑफ मैग्नेट्स बन गए हैं, जो अपना अगला पोल खुद ब खुद बना लेता है। इसी तरह अगर हम इसको भी तोड़ दें तो फिर ये भी अपना एक और कंप्लीट पोल बना देगा। सो दिस इज अ कंप्लीट मैग्नेट मेड फ्रॉम अ सिंगल मैग्नेट। सो इफ अ मैग्नेटिक पीस ऑफ स्टील रॉड इज कट इन टू स्मॉलर पीसेस, ईच पीस इज अ मैग्नेट विद नॉर्थ पोल और अ साउथ पोल। दूसरी थ्योरी जो थी आपके पास वो ये है कि मैग्नेट किस चीज से बना हुआ है। हमने बोला कि स्टील या आयरन से बना हुआ है। लास्ट के जो आपके लेक्चर्स थे उसमें हमने पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था, जिसमें आयरन एक एलिमेंट है, और हमने कहा था कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। अब ये जो छोटे एटम्स हैं ये मिलकर बनाते हैं ये रोड्स, ये बार्स, ये मैग्नेट। जिन एलिमेंट्स में, जिन सब्सटेंस में, पीस में, पीस ऑफ आयरन में या स्टील में ये मॉलिक्यूल्स तरतीब से ना हो वो मैग्नेट नहीं कहलाया जाता, लेकिन जिन पीस में इन मैग्नेट्स, इन टाइनी मॉलिक्यूल्स की तरतीब हो, उसको हम कहते हैं कि ये इसके अंदर मैग्नेटिक टेंडेंसी है। ये जो लाइनिंग है ना, ये तरतीब जो है, जो असेंबली की तरह लाइंस बनाए हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स में, उनको हम डोमेन कहते हैं। देयरफॉर अ मैग्नेट कैन बी सेट टू बी मेड ऑफ लॉट्स ऑफ टाइनी मैग्नेट्स ऑल लाइंड अप विद देयर नॉर्थ पोल्स पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। दिस लाइनिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डोमेन।
इस पिक्चर में आपको क्लियर नजर आ जाएगा, ये एक पीस है आयरन का या स्टील का, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो एरो से शो हुए हैं लाइन में नहीं है, एक खास तरतीब में नहीं है। जब इनको एक तरतीब मिल जाती है तो उसको कहते हैं डोमेन। अब ये बार, ये पीस ऑफ आयरन या स्टील मैग्नेट कहलाया जाएगा और ये दोनों मैग्नेट नहीं कहलाए जाएंगे। टाइनी मॉलिक्यूल मैग्नेट विद इन अ मैग्नेट्स, डोमेन इज अनमैग्नेटाइज्ड आयरन लाइन अप in an orderly way when magnet is nearby. In this way, an unmagnetized iron piece gets magnetized for some time. यही सिचुएशन होती है जब आप किसी मैग्नेट के करीब किसी आयरन के पीस को लेके जाते हो। जैसे कि आपने मैग्नेट के करीब एक पिन लेके गए हो, वो पिन भी स्टील या आयरन की बनी हुई है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं पहले स्कैटर्ड थे, फिर जब आप उसको मैग्नेट के करीब लेके गए तो अलाइन हो गए। अब वो पिन भी मैग्नेट है, उसके अंदर भी टेंडेंसी है मैग्नेटिज्म की, वो भी अट्रैक्ट करेगा किसी और पिन को साथ। अब आपने एक और पिन लगा दी तो उस पिन के अंदर भी सारे डोमेन्स लाइनअप हो जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल्स लाइनअप हो जाएंगे डोमेन में, और फिर उसके अंदर भी टेंडेंसी आ जाएगी मैग्नेटिज्म की। जैसे ही आप मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं इनकी ये डोमेन खत्म हो जाएगी, इनकी इनका जो ये लाइनिंग अप है कि खत्म हो जाएगा, अरेंजमेंट खत्म हो जाएगी और फिर वो मैग्नेट नहीं कहलाए जाएंगे। मैग्नेटाइज कैसे करना है किसी पीस ऑफ आयरन को, ये तो हमने सीख लिया कि अगर आपको किसी नेल को मैग्नेटाइज करना है तो उसका सिंपल वे क्या है, उसको किसी मैग्नेट के करीब लेके चले जाओ, परमानेंट मैग्नेट के करीब। क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइनअप हो जाएंगे, लाइनअप यानी डोमेन में आ जाएंगे। अगर वो डोमेन में आ गए हैं तो वो नेल भी एक मैग्नेट कहलाया जाएगा और वो भी अट्रैक्ट करेगा किसी और नेल को अगर आप करीब लेके गए उसके तो। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेट को दूर लेके जाओगे उस नेल से, उसके सारे वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तरतीब, उनकी जो लाइन है वो खराब हो जाएगी, अनअलाइंड हो जाएंगे, अनअरेंज्ड हो जाएंगे, तो उसके बाद उसके अंदर जो अपनी टेंडेंसी थी मैग्नेटिज्म की वो भी वो लूज कर देगा। ये तो एक तरीका हो गया। सेकेंड तरीका यह है कि कोई भी अगर परमानेंट मैग्नेट है आप उसको भी डीमैग्नेटाइज कर सकते हो, यानी कि उसके अंदर से भी आप मैग्नेटिक टेंडेंसी निकाल सकते हो। कैसे? कि पहले आपने उसको हीट कर देना है। अब यहाँ पे आप आ जाती है आपकी पुरानी नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज ये है कि जब आप हीट करते हो किसी हीट प्रोवाइड करते हो किसी भी सब्सटेंस को, तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर एक खास एनर्जी आ जाती है और वो हो जाते हैं क्रेजी और वो फिर इधर उधर मूव करना शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपने परमानेंट मैग्नेट को जिसके बिल्कुल स्ट्रेट अलाइंड वो है मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक टेंडेंसी है, उसको आपने हीट कर दिया है, तो हीट करने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स क्रेजी हो जाएंगे और वो मूव करना शुरू हो जाएंगे और अपनी डोमेन को खो देंगे, अनअलाइंड हो जाएंगे। फिर आपने फौरन से उसको ठंडा कर देना है, इससे पहले कि वो दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाएं, उसको ठंडा कर देना है। आप जब फौरन से उसको कूल डाउन करते हो ठंडे पानी में डाल के, तो वो वहां पे ही फ्रीज हो जाते हैं, स्टैच्यू हो जाते हैं। फ्रीज होने के बाद उनकी जो शेप थी वो अनअरेंज्ड हो जाती है, अनअलाइंड हो जाती है और वैसे ही रुक जाती है। इस तरह भी आप डीमैग्नेटाइज कर सकते हो एक परमानेंट मैग्नेट को। तो हमने पढ़े आज कुछ तरीके जिससे आप डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। नंबर वन, आप अगर आपने वो टेम्पररी मैग्नेट बनाया हुआ है तो आप असली मैग्नेट को थोड़ा सा दूर लेके चले जाओ। दूर लेके जाओगे तो खुद ब खुद वो जो पीस ऑफ आयरन या स्टील या जो भी आपके पास पीस है वो उसकी टेंडेंसी खत्म हो जाएगी, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। परमानेंट मैग्नेट को कैसे डीमैग्नेटाइज करना है? जब आपने परमानेंट मैग्नेट को हीट किया तो उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे एक दूसरे से, अपना बॉन्ड ब्रेक कर देंगे और
मूवमेंट शुरू कर देंगे। मूवमेंट शुरू करने के बाद आपने उसको फौरन से कूल डाउन करना है। कूल डाउन करने के बाद वो फ्रीज हो जाएंगे, वो जहां पे भी थे वो फ्रीज हो जाएंगे, वो अपनी पोजिशन में दोबारा नहीं आएंगे। इस तरह आप एक परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। अब आ जाते हैं टेस्ट योरसेल्फ पे। पेज 49 पे टेस्ट योरसेल्फ है, जिसके आपके आपने सिर्फ दो क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेट क्या है? एक पीस ऑफ आयरन और स्टील जिसके अंदर टेंडेंसी हो अट्रैक्ट करने की और रिपल्स 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 करने की। मैग्नेटिज्म क्या है? वो टेंडेंसी, वो फोर्स जिससे अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रही होती है। तो मैग्नेटिज्म इज अ मिस्टीरियस फोर्स या टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ परमानेंट मैग्नेट एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट इज अ पीस ऑफ आयरन और स्टील व्हिच हैज बीन मैग्नेटाइज्ड सो दैट इट कीप्स इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज परमानेंटली, जिसके पास हो। ऑन द अदर हैंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो क्या है? अ मैग्नेट दैट कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेस्ट योरसेल्फ नंबर 2 पेज नंबर 50 पे है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब हाउ यू वुड शो दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। अगर आपके पास आपके घर में मैग्नेट और कंपास है तो आप घर में भी ड्रॉ कर सकते हैं इस मेथड को यूज करके। टेक अ बार ऑफ मैग्नेट, प्लेस इट अंडर अ व्हाइट शीट ऑन अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर, देन सम आयरन फिलिंग्स वुड बी स्प्रिंकल्ड ऑन द पेपर। द फिलिंग्स विल बी अरेंज्ड देमसेल्व्स इन अ सॉर्ट ऑफ पैटर्न ऑफ लाइंस near the poles of near the poles, the filling will be closer together and the spacing of the lines shows the strength of field. घर में भी अगर आपके पास कंपास है तो आप नॉर्थ पोल पे रखकर साउथ पोल तक लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर आपके पास जब डायग्राम आएगी तो फिर आप देख सकते हैं कि जहां करीब करीब लाइंस हैं वो शो करती हैं कि यहाँ पे फील्ड भी स्ट्रॉन्ग है, यानी यहाँ पे मैग्नेट की टेंडेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेस्ट योरसेल्फ नंबर 3 पेज नंबर 51 पे है। उसका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाई हीटिंग डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिज्म इन अ परमानेंट मैग्नेट। हीटिंग प्रोवाइड करती है एनर्जी और ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स को क्रेजी कर देता है टू मूव फास्टर। जब वो मूव करेगा फास्टर तो जो उनकी लाइन बनी हुई थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी और वो अनअलाइंड हो जाएंगे, और अनअलाइंड होने की वजह से उनके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाएंगी। तो एनर्जी फ्रॉम हीटिंग कॉजेस मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर, कॉजिंग द डोमेन्स टू बिकम अनअलाइंड। दिस इज व्हाई दे लूज देयर टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिज्म।